गांजा तस्करी के मामले आए दिन प्रदेश में बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला सिंगरौली से सामने आया है, जहां पुलिस ने दो लोगों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया, साथ ही लाखों का कैश भी जब्त किया। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी के निर्देशन एवं अनुभवीय अधिकारी चितरंगी के सतत निगरानी में थाना प्रभारी चितरंगी SS पटेल के द्वारा चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान के तहत मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम गड़वानी में संदेही की दुकान पर छापामार कार्रवाई की गई, जहां पुलिस ने 1200 ग्राम गांजा जब्त करते हुए आरोपी कृपा शंकर उर्फ पिंटू वैश्य को गिरफ्तार किया। दूसरी कार्रवाई में ग्राम आमा पड़री में सहदमन अंसारी के घर पर 1 किलो 80 ग्राम गांजा जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करते हुए नगद 4 लाख के लगभग रुपए जब्त किए गए। आरोपी का नाम जो है सहदमन जो है अंसारी, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी आमा पड़ रही। तो उसके कब्जे से जो है 1800 ग्राम गांजा और जो है 4,02,000 रुपये कैश बरामद हुआ। और दूसरी टीम जो है, जो मोहन प्राणी के नेतृत्व में गई थी, तो ना उसने ग्राम गड़वानी में जो है उसका आरोपी का नाम है कृपा शंकर और पिंटू बैस, पिता राम जियावन बैस, उम्र 32 वर्ष, है ना। उसके कब्जे से जो है करीब 1200 ग्राम गांजा जो है जब्त किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।